Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, how are you? Well, friends, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, नाउडेज आई एम टीचिंग यू द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स. ओके फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में मैंने जो भी पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. यूज ऑफ मैक, गेट एंड नो सून और हार्डली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैंने बताया है. कॉजिटिव वर्ब्स कैसे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो टुडे व्हाट? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू. क्लास शुरू होने पर जानते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. कमिन So, are you ready with your project? Excuse me, sir. I have to talk to you about why my project didn't get done. You usually are good about turning it in. Then what happened? I was really sick. I have my medical certificate with me. That's all fine. But couldn't you have done it when you felt better? Because doctor advised me to take a complete rest. You know very well that I only allow one missed assignment per semester. When will you be turning the makeup it? I'll submit it by the next week. Fine. But it shouldn't happen again if you want an A grade in the class. Okay, I'll try. Work hard to not let it happen again. And remember, you are in the college, not in a school. Okay? And you? What about you? Why have you not submitted the assignment yet? I'm really sorry, sir. I went to my cousin's house, so I didn't submit. What is the necessary for you to go to the cousin's house or submitting the project? Submitting the project. So, why didn't you do? I want all the projects within 3 days, okay? Mind it, you may go now. Okay, sir. Go. Friends, shuru karte hain. Come on. Simultaneously. Simultaneously means, ye matlab is tarah ke sentences aate hain isme, jisme ek vyakti ek hi saath do kaam karta hai. अगर एक व्यक्ति एक ही साथ दो काम करता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम सिमुलटेनियसली बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और उसको हम बनाते कैसे हैं चलिए सीखते हैं. जैसे बिस्तर पर लेटकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था. तो बिस्तर पर मैं लेटने का भी काम कर रहा था, मीन्स मैं लेटा भी हुआ था और उपन्यास भी पढ़ रहा था. दो काम एक साथ हो रहे थे, बिस्तर पर लेटना और उपन्यास पढ़ना. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं. इसमें हम व्हाइल लगाकर बनाएंगे कि व्हाइल लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नोवल. ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइल लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नोवल. या हम व्हाइल नहीं भी लगा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बिना व्हाइल के भी हम अगर बनाएंगे कि लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग द नोवल. ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइल आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर व्हाइल लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर व्हाइल नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम बनाएंगे व्हाइल लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नोवल या लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नोवल. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है पेड़ पर बैठ कर वह एक डाली काट रहा था. तो पेड़ पर बैठ कर इसमें भी दो काम हो रहा है, वो एक पेड़ पर बैठने का भी काम हो रहा है और बैठे बैठे वो डाली काटने का भी काम हो रहा है. मीन्स दो काम हो रहा है, टू इन वन. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे सिटिंग इन द ट्री ही वॉज
cutting a branch. Sitting in the tree, he was cutting a branch. Means, पेड़ पर बैठकर वो डाली काट रहा था. Sitting in the tree, आप ये गलत मत समझना. पेड़ पर बैठना मतलब हम इन द ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से शाखाएं रहती है, पत्ते रहते हैं, उसके अंदर वो बैठा है. तो इन द ट्री भी हम बोल सकते हैं और ऑन द ट्री भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स. द सिटिंग इन द ट्री ही वॉज कटिंग अ ट्री ब्रांच. या यहाँ पर हम शुरू में व्हाइल भी लगा सकते हैं. व्हाइल लगा के भी लिखेंगे तो भी सही होगा और व्हाइल नहीं भी लगाते हैं तो भी सही होगा. बट बोलना इसी तरीके से. ठीक है फ्रेंड्स. तीसरी सेंटेंस है, टीवी देखते हुए वह खाना खाता है. तो व्हाइल वॉचिंग टीवी ही टेक्स फूड या मील्स. व्हाइल वॉचिंग टीवी ही टेक्स फूड. या हम इसमें व्हाइल नहीं भी लगाएंगे कि वॉचिंग टीवी ही टेक्स फूड मीन्स टीवी देखते हुए वो खाना खाता है. ठीक है फ्रेंड्स. अब ये तीन सेंटेंसेस मैंने बनाकर आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बोलते हैं. और इसी से संबंधित अगर दूसरे कोई भी सेंटेंस आए तो उसको हम इसी तरीके से बनाएंगे. सिर्फ यही मत समझना कि ये तीन सेंटेंस ही इस तरीके से बनेंगे. मतलब इसी तरह के अगर सेंटेंसेस कोई भी सेंटेंसेस आए तो हम उसको इसी तरीके से हम बनाएंगे. जब किसी एक सेंटेंस में ये बताया जाए कि कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति जब एक साथ दो काम कर रहा हो तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो आज तक के लिए इतना ही. और फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना बहुत ईजी है, बस चाहत होनी चाहिए सीखने की. कोई भी चीज़ सीखना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं. बस चाहत एक बार अंदर से पैदा हो जाए कि हमें सीखना है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती. ठीक है फ्रेंड्स. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद.